हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम अच्छे से दे रहे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा हिंदी का, पंजाबी और फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये हमारे पेपर्स हो चुके हैं और आपने इन पेपर्स की स्टडी की तो आपने ये देखा होगा कि मोस्टली जो क्वेश्चंस है या जो पैटर्न होता है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे काफ़ी सिमिलर होता है। तो इसीलिए मैं आपको आज यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा आपका जो नेक्स्ट पेपर है 5 अप्रैल को, वो है मैथमेटिक्स का, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको हमारे जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, यहाँ पर मैं 2020 का ले रही हूँ, जिसके चारों सेट, एक सेट में आपके 16 क्वेश्चन आते थे, अभी जो है आपका थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, एक सेट में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर मैं आपको चारों सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ताकि हमें ये पता रहे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन हम सोल्व कर पाते हैं। तो साथ में आप भी सोल्व करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं यहाँ से। पेपर्स को आप जरूर करें, क्योंकि पेपर में से भी कई बार क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, तो इनको छोड़कर नहीं जाएं आप। साथ में मैंने आपको जितने भी हमारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो चैप्टर वाइज मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने उनकी स्टडी नहीं की है तो एक बार पाई हर्ट्स चैनल पर आप जाकर स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पर सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है सेट ए में 2020 में, तो देखिए क्या कहा गया है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो आपको ये बताना है 1 1 है, ऑन 2 है, मैनी 1 ऑन 2 है या इन 2 है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फंक्शन जो है। देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान रखिएगा कि डोमेन और को डोमेन आपको क्या गिवन है। एक्स आपको बिलोंग कर रहा है आपका, जो कि डोमेन से बिलोंग करता है एक्स, और y जो है आपका बिलोंग करता है को डोमेन से। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम 1 1 चेक करना चाहें तो हम देखेंगे कि रियल नंबर में सभी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आती है, तो आप जो भी वैल्यूज रखेंगे, देखिए अगर मैं नेगेटिव रखती हूँ तो -1 आता है आपके पास, और अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूँ तो आपके पास आता है ये 1। इसी तरह आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप देखेंगे हर एक के लिए आपको डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको पीछे करके भी बताया हुआ है कि क्वेश्चन आप 1 1 के लिए किस तरीके से आप प्रूव करते हैं, ये तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो 1 1 तो आपका ये है, इट मीन्स मैनी 1 ऑप्शन कैंसिल हो गया, मैनी 1 आपका ऑप्शन कैंसिल है सी और डी। अब बात आती है हमारी ऑन 2 है या इन 2, तो देखिए आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि वाई जो है, देखिए यहाँ पर कोडोमेन आर लिया गया है, और यहाँ पर जो हमारा एफ एक्स है वो इक्वल टू है हमारा वाई के, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई एंड एक्स इक्वल टू वाई पावर 1/3। तो आप देख सकते हैं वाई की, वाई हैज ऑल प्री इमेजेस, आप वाई की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए रियल नंबर में तो आपको यहाँ पर उसकी प्री इमेज मिलने लगेगी। तो इट मीन्स हमारे पास ये ऑन टू भी हो गया है, इन टू नहीं होगा, तो आपका जो ऑप्शन है वो बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो देखिए बेटा प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछी गई है टेन इनवर्स एक्स की। टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है आपकी ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। यहाँ पर आपको ये डायरेक्टली ध्यान रखना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू किसकी क्या होती है, मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज में देखिए साइन इनवर्स जो है इसकी आप प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे तो ये होती है आपकी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स होता है 0 से π, टेन इनवर्स यहाँ पर हमारे पास है। इसके बाद आप लिखेंगे कोट इनवर्स, ये होती है आपके ओपन इंटरवल 0 से π। इसके बाद आप देखेंगे सीकेंट इनवर्स एक्स, तो ये हमारी होती है क्लोज इंटरवल 0 to π, माइनस में π/2 आप यहाँ से बाहर करते हैं रेंज में से। और अगर हम कोसिकेंट इनवर्स एक्स की बात करें तो ये होता है -π/2 से π/2, और 0 इसमें नहीं आता है। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, तो आप ये अच्छे से याद करके जाएंगे। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कि आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो देखिए बेटा एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाती है। देखिए अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो ये आता है 2x। आपने जब ऐड किया तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड करेंगे तो 5 + 3 8, 6 + 2 8, 0 - 2 - 2 होता है, और 9 + 1 दैट इज 10। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x जो है ये मिल जाता है हमें 4 - 1 - 5, मीन्स हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास, आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना है, तो देखिए आप जानते हैं डिटरमिनेंट किस तरीके से सोल्व किया जाता है, 2 - 20 इक्वल टू 2x² - 24। देखिए बेटा इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है -18 + 24
इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ से हमारे पास आता है 6 इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर, और x की अगर हम बात करें तो ये आता है प्लस माइनस रूट थ्री, जो कि हमारे ऑप्शंस में नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज भी है हमारे पास, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव करना है सीकेंट टेन रूट एक्स। तो देखिए सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का अगर हम करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो सीकेंट का होता है सीकेंट जो भी आपका एंगल गिवन है टेन एंगल, फिर आप एंगल पे जाएंगे तो आप देखेंगे टेन लिखा हुआ है, टेन का होता है आपका सीकेंट स्क्वेयर जो भी एंगल आ रहा है अंदर। इसके बाद फिर हम रूट एक्स का करेंगे तो ये होता है वन बाय टू रूट एक्स, ये आपका आंसर आपको लिख के आना है वहां पर, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव आप इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये आपके पास आता है थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यहां से आपके पास एक्स स्क्वेयर आता है वन, एक्स की वैल्यू मिली है आपको प्लस माइनस वन। आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे कि डबल डेरिवेटिव आपका किस पर लेस देन जीरो आ रहा है, तो देखिए अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करती हूँ तो ये आता है सिक्स एक्स, तो देखिए एक्स की कौन सी वैल्यू रखें कि लेस देन जीरो आए, तो आपको क्या रखना होगा एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो आपकी ये लेस देन जीरो आती है, क्लियर। यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस वन पर हमें कैसी वैल्यू मिलने वाली है मैक्सिमम, तो आपसे ये पूछा गया था एक्स की वैल्यू हैज ए मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू, तो किसकी इक्वल आ रही है हमारी ए की इक्वल आ रही है माइनस वन के। नेक्स्ट आता है हमारा लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आपको ये बताना है कि इसमें डिक्रीज कर रही है आपकी, तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव फाइंड कीजिए इसमें वन अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो देखिए ये आपके पास आता है कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अगर हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें ये दिखाना है यहाँ पर कि आपका डेरिवेटिव जो है लेस देन जीरो कब होता है, तो अगर हम बात करें कोस एक्स जो है आपका पाई बाय टू से पाई पर आपकी ये वैल्यू देता है लेस देन जीरो, और पाई बाय टू से पाई पर साइन की जो वैल्यू होती है ये होती है पॉजिटिव, तो देखिए नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव अगर हम रखेंगे तो वो नेगेटिव ही मिलने वाला है, इट मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा हमारा, जब आपका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को जेड मान लूँ तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो डी जेड में चला जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर हमने ऐसे ही किया, इट मीन्स हमारे पास इंटीग्रल आ जाता है जेड डी जेड, इंटीग्रेशन पे आता है जेड स्क्वेयर बाई टू प्लस सी, और जेड आपने किसको माना था टेन इनवर्स को, तो आप ध्यान रखिएगा पेपर में ऐसा नहीं करेंगे कि आपने जेड की फॉर्म में आंसर आप लिख के आए, आपको जिस भी वेरिएबल में पूछा गया उसी वेरिएबल में आंसर भी होना चाहिए, तो हमने लिख दिया यहाँ पर वापिस से टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर डिवाइड बाई टू प्लस सी, क्लियर, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, तो आपको एक फॉर्मूला करवाया हुआ था कि आप फंक्शन को चेक करेंगे इवन है या ओड है, देखिए माइनस ए से प्लस ए पर अगर आपको लिमिट गिवन है, तो देखिए हम चेक कैसे करते हैं, एक्स के प्लेस में माइनस एक्स रखते हैं और फिर जो फंक्शन हमें मिलता है अगर बाहर माइनस आ जाता है एफ एक्स, तो हम उसको बोलते हैं ओड फंक्शन है, अगर ओड फंक्शन है तो बिना सोल्व किए आप उसका आंसर क्या लिख देंगे जीरो, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर बोला गया डिग्री एंड ऑर्डर, ध्यान रखिएगा डिग्री एंड ऑर्डर, तो डिग्री ऑर्डर सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है हमारे पास टू ऑर्डर का, क्लियर, और जो टू ऑर्डर का हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर हमें देखनी होती है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर हमें दी हुई है थ्री, तो डिग्री है आपकी थ्री, ऑर्डर है आपका टू। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है देखिए नेक्स्ट में इलेवंथ क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपके हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, हमें मिला है डी वाई बाय वन प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने पर डायरेक्टली ये फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ए बैग कंटेनिंग फोर व्हाइट एंड सिक्स ब्लैक बॉल, टू बॉल आर ड्रॉन रैंडमली विद रिप्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा विद रिप्लेसमेंट बोला गया है, यानी कि आपने जब बॉल को निकाला है उसके बाद उसके वहां पर आपने उस पर एक और बॉल रख दिया उसके रिप्लेस में, ठीक है ना, यानी कि बॉल्स जो है वो सेम रह गई हैं। अब आपको क्या कहा गया कि दोनों बॉल जो हैं वो ब्लैक हो, ब्लैक बॉल्स कितनी है सिक्स, तो पहले वाले के लिए कितने केसेस हुए सिक्स बाय टोटल बॉल्स हैं टेन, और दूसरे वाले के लिए हमें बोला गया है कि आपने उसको रिप्लेस कर दिया है, जब रिप्लेस किया तो वापिस से
बॉल्स की संख्या हो गई हमारी 10 और ब्लैक बॉल हुई हमारी 6, यानी कि यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने पे आ जाता है 9/25। नेक्स्ट है आपको इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है, तो देखिए आपको इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है तो मैंने आपको बार बार बताया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको यहाँ पर देखिए पी ए गिवन है, पी बी भी गिवन है, आपको ए कंडीशनल बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, आपने वैल्यूज यहाँ पुट की तो आपके पास आंसर आ गया है 0.3। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी कितनी होती है, अगर हम प्रोबेबिलिटीज का सम निकालें तो वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर जितनी भी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है आपने उसको इक्वल टू 1 रखा। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन को आपने सोल्व किया तो दो वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल जाती है -1 एंड 1/10। लेकिन देखिए के अगर मैं -1 रखती हूँ तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस में आ जाती है और हम जानते हैं कि माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। क्लियर? तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड वैल्यू आई है के इक्वल टू 1/10। देखिए हो सकता है ये ऑप्शन में भी आ जाता, आपका ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो आपके पास यहाँ जो वैल्यू आप लेंगे वो 1/10 लेंगे, आपका आंसर होगा k इक्वल टू 1/10। सॉरी ये 14 आपके हैं, अभी 15 आपके पास क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर पूछा है इन द डायरेक्शन ऑफ सम। देखिए यहाँ पर सम वर्ड यूज किया गया है, यानी कि जो भी वेक्टर है सबसे पहले आप उसका सम निकालेंगे, सम करने के बाद जो नया वेक्टर आपको मिला है उसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, जो भी वेक्टर आपके पास आ रहा है डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। देखिए यहाँ से हमने दोनों का सम निकाला, सम निकालने के बाद आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और आपने जब इस फॉर्मूले में पुट किया तो आपके पास आता है 2/7i + 3/7j - 6/7k। नेक्स्ट आपका बोला गया है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है इसको हम ए वेक्टर मानते हैं और जिस भी डायरेक्शन में या जिस भी वेक्टर के पैरेलल होता है उसको हम मानते हैं बी वेक्टर। तो बेटा आपको ये लिखवाया गया है कि वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब ए और बी हमें दोनों दिए हुए हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर वो वैल्यूज जो हैं वो पुट करनी है। क्लियर? अब देखते हैं हम बी सेट। तो देखिए पहले में यहाँ पर आपसे बोला गया है आप ध्यान रखिएगा रेंज का, डोमेन को डोमेन और रेंज आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए एफ एक्स है, आपको यहाँ पर बोला गया एक्स की पावर 4, यानी कि आप नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज ले सकते हैं। अगर मैं लेती हूँ 1 तो आपके पास इमेज आती है 1, और अगर मैं -1 लेती हूँ तो -1 की इमेज भी आपके पास आ रही है 1, यानी कि दो की सेम इमेज आ रही है तो 1-1 आपका कभी भी नहीं हो सकता। ए और बी ऑप्शन आपके हो गए हैं कैंसिल। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो देखिए यहाँ से हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये आपका आ गया एक्स की पावर 4 इक्वल टू वाई एंड एक्स इक्वल टू वाई की पावर 1/4। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा y जो है वो कहाँ से लिया गया है, r प्लस से, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आपको यहाँ पर लेनी है। तो जब आप पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पर रखना स्टार्ट करेंगे तो हर एक की प्री इमेज आपको मिल जाएगी रियल नंबर में, तो इट मीन्स वहाँ पर ये आपका क्या होगा, ऑन टू होगा। क्लियर? तो ये आपका आंसर बनता है सी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैल्यू, मैंने अभी आपको सारी प्रिंसिपल वैल्यूज लिखवा दी हैं, 0 से π होने वाली है कोस इनवर्स की। यहाँ देखिए एक्स के बारे में पूछा गया तो इसको आपने फर्स्ट माना, ये आपकी सेकंड, आपने दोनों को ऐड किया तो ये बना है आपका 4x इक्वल टू, आपने मैट्रिक्स को ऐड किया 1+3 4, 0+4 4, -3 -1 -4, 2 2, दैट इज 4। अब जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, तो ये बनता है 1 1 -1 1, इट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा जितना स्पीडली आप क्वेश्चन करेंगे थोड़ा एक्यूरेसी का ध्यान रखिए और स्पीड में क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, टाइमिंग थोड़ी कम रहने वाली है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जो है एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए। अब देखिए डिटरमिनेंट आपको बोला गया है, देखिए सेम क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व किया आपके पास ये आ जाता है 3x² - 5 = 4, ये बनता है 3x² = 9, x² = 3 एंड x = ±√3, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आता है। नेक्स्ट आपको डिफ्रेंशिएट बोला गया है, लॉग है, तो देखिए आप सबसे पहले लॉग का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आएगा 1/sec√x, फिर आपने सीकेंट का किया तो ये बनेगा सीकेंट रूट एक्स,
टेन रूट एक्स, फिर आपने एंगल का किया रूट एक्स का, तो ये बनेगा वन अपॉन टू रूट एक्स, सीकेंट रूट एक्स से सीकेंट रूट एक्स कैंसिल, तो हमारा आंसर जो आता है टेन रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स। नेक्स्ट है आपका लोकल मैक्सिमा, आपको बताना है यहाँ पर एट एक्स। देखिए बेटा आप डेरिवेटिव निकालिए, इक्वल टू जीरो कीजिए और देखिए क्या आता है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमें मिलता है कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कोस एक्स से अगर हम डिवाइड करें तो ये आता है टेन एक्स। और देखिए वन कब होता है आपका, जब आपके पास एक्स जो है वो हो फाइव बाय फोर। मैक्सिमम की बात की गई है यानी कि डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए आपका, लेस देन जीरो। देख लीजिए डबल डेरिवेटिव जब आपने निकाला तो ये आता है माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, जब आप पाई बाय फोर रख रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इट मीन्स आपके पास मैक्सिमम वैल्यू किस पर मिल रही है, पाई बाय फोर पर। क्लियर। इसके बाद हमारे पास बोला गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में हमारे पास ये इंक्रीज कर रही है हम देख लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपको डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन जीरो दिखाना होता है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज ना हो आप इसमें, ध्यान रखिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा दोनों में डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डेरिवेटिव आता है बेटा इसका कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखिए हमें इंक्रीजिंग दिखाना है तो हमें ये देखना है कि डेरिवेटिव जो है किस में पॉजिटिव है। अगर हम बात करें यहाँ पर जीरो से पाई बाय टू, तो कोस जो है जीरो से पाई बाय टू में आप सभी इंटरवल पर बात कर सकते हैं, यहाँ मैं फर्स्ट में ले रही हूँ पहले, इसमें हमारा जीरो से पाई बाय टू पॉजिटिव होता है, और अगर मैं साइन एक्स देखूँ तो ये भी पॉजिटिव होता है, इट मीन्स दोनों ही पॉजिटिव हैं तो उनका रेशो भी पॉजिटिव आने वाला है, तो ये हमारा इंक्रीज कर जाएगा, तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका एट्थ में, यहाँ पर आप साइन इनवर्स एक्स, देखिए नीचे जो दिया हुआ है वो इसका डेरिवेटिव है, तो आपने इसको जेड माना, तो ये आपके पास आ जाता है इंटीग्रेशन जेड, जो कि होगा जेड स्क्वेयर बाय टू प्लस सी, और आपने जेड वापिस से पुट किया तो ये आपका आंसर आता है। देखिए यहाँ माइनस ए से ए, माइनस वन से वन आपको दिया हुआ है, तो आप इसमें सिर्फ क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रख के देखिए, तो माइनस एक्स की क्यूब अपॉन वन प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए बच्चों ये आपके पास आ जाता है माइनस एफ एक्स, तो ये फंक्शन होता है ओड, और जब ओड फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है जीरो। फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर, तो देखिए आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है हाइएस्ट ऑर्डर आपके पास है फोर, और फोर की अगर हम पावर देखें, देखिए यहाँ पर पावर रैशनल में नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डर फोर है और डिग्री आपके पास आ रही है वन। नेक्स्ट में आपसे सोल्व करने के लिए बोला गया डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने वेरिएबल सेपरेट किए, सेपरेट करने के बाद आपके पास आता है डी वाई बाय वाई इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स, जो कि होता है हमारे पास लॉग वाई इक्वल टू माइनस लॉग कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट को हमने ले लिया है लॉग सी, लॉग वाली टर्म्स हमने एक साथ ली, फिर हमने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लेने पर हमें मिल गया वाई कोस एक्स इक्वल टू सी। नेक्स्ट में देखा बेटा आपको बोला गया है कि एक बैग में फोर वाइट और सिक्स ब्लैक बॉल हैं, एक के बाद दूसरी बॉल निकाली गई है। अब ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज कर लिया विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जब आपने बॉल निकाली है तो उसके प्लेस पे आपने कोई भी बॉल वापस से नहीं रखी है, अब दोनों ही बॉल ब्लैक हों, तो देखिए पहले वाली के लिए तो केस हो गए सिक्स बाय टेन, क्योंकि टोटल बॉल्स हमारी है टेन। अब हमारे पास एक बॉल हमने निकाल ली है तो हमारे पास कितनी बची हुई है नाइन, और फाइव बॉल सिक्स बॉल में से हमने एक बॉल निकाल ली है और हमें ब्लैक ही चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी बची फाइव। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो देख लेंगे कितना आंसर आता है आपका, ये आता है वन बाय थ्री, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास बी बाय ए आपको बोला गया है कंडीशनल में, तो आप सीधा इसका फॉर्मूला लगाएंगे पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, आपको वैल्यूज गिवन है पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाता है वन बाय सिक्स। नेक्स्ट आपको बोला गया है एक्स आपके पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको मैंने बताया प्रोबेबिलिटी का सम वन के इक्वल होता है, तो आप इन सभी को ऐड करेंगे और वन के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से आपको के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो कि होगी 0.15। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास यूनिट वैक्टर आपसे पूछा गया है पी क्यू में, पेयर पी और क्यू आपको गीवन है, देखिए जब पी क्यू हमें वेक्टर बोला गया है इट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ध्यान रखिएगा पीछे जो आ रहा है पहले हम उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं फिर माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, जब आपने ये सोल्व किया तो आपको पी क्यू मिल गया है, और यूनिट वेक्टर आपको मैंने अभी बताया था जो भी वेक्टर गिवन है डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, सोल्व किया आपने और आपके पास वैल्यू आ जाती है।
नेक्स्ट में देखिए सेम क्वेश्चन बोला गया है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसको आप ए वेक्टर मानेंगे और जिस पॉइंट के पैरेलल है आपका जिस वेक्टर के उसको आप बी मानेंगे। ये आपके पास कार्ड फॉर्म होती है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो आपके पास आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सिर्फ आपको यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करनी है बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके, सिर्फ आपको ध्यान से थोड़ा ध्यान से करना है। अगर आप ज्यादा जल्दबाजी करते हैं तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। एक तो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ें। देखिए इसके बाद दिया हुआ आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, क्लियर। नेचुरल नंबर आपके वन से स्टार्ट होते हैं, यानी कि आप यहाँ पर वन टू थ्री कुछ भी रखेंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसलिए ये मैनी वन कभी नहीं हो सकता। वन वन की यही कंडीशन होती है कि हर एक की डिस्टिंक्ट इमेजेस हो। अब मैं बात करूं अगर ओन टू की, तो देखिए y भी मेरा n से लिया हुआ है, कोडोमेन भी n है और डोमेन भी n है, तो यहाँ पर y की पावर हो गई है 1/3 इक्वल टू x। देखिए अगर मैं y इक्वल टू 2 ले लेती हूँ तो 2 की पावर 1/3 ये जो है ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि ये जो है ये प्री इमेज नहीं हो सकती, तो आपका ओन टू कभी नहीं होगा। ऐसे बहुत से नंबर मिलेंगे आपको, तो इसलिए आपका ऑन टू ना होके ये क्या होगा इनटू होगा, तो 1/1 इनटू आपका ऑप्शन है। प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स की पूछी गई, देखिए अभी मैंने पीछे आपको बताया भी था, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है बी। नेक्स्ट आपके पास आपको यहाँ वाई बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है वाई मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड में हम क्या करें, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपके पास मिलने वाला है 6y इक्वल टू 3-1 2 होता है, 2-0 2 होता है, 1-3 दैट इज 4, 4-2 दैट इज 2। तो y जो है यहाँ पर बेटा आ जाता है 1/6 2 4 2 2, मैं कॉलम वाइज बता रही हूँ, इट मीन्स सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 36 इक्वल टू 36-36, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाती है x इक्वल टू +-6, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज रह जाता है, फिर आप पावर का करेंगे तो साइन का होता है कोस, जो भी एंगल है रूट एक्स, और रूट एक्स का अगर हम करें तो वो होता है 1/2 रूट एक्स, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है आपका लोकल मैक्सिमा आपको फाइंड करना है। लोकल मैक्सिमा के लिए अभी मैंने आपको बताया कि आपको डेरिवेटिव जो है इक्वल टू जीरो रखना होगा, तो ये आता है कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इक्वल टू जीरो, कोस एक्स इक्वल टू आपके पास आता है माइनस साइन एक्स, कोस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा टेन एक्स इक्वल टू -1। हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो पाई -π/4 और या फिर हमारा हो सकता है 2π -π/4, तो दो वैल्यूज आती है 3π/4 और दूसरी आती है आपके पास 7π/4, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए और देखिए लोकल मैक्सिमा के लिए आपके पास डबल डेरिवेटिव जो है लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये आता है हमारे पास माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्लियर। आप यहाँ पर रखिए, अगर मैं रखती हूँ 3π/4 तो ये आता है माइनस साइन पाई -π/4 प्लस में कोस पाई -π/4। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो ये तो आपके पास यही रह गया साइन π/4 और ये कोस जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ से कोस π/4 आ गया आपका, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आती है। इट मीन्स हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल रही है 3π/4 पर, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट में आपसे बोला गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपको बताना है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपको बताया था मैंने, आप डेरिवेटिव निकालिए एफ डैश एक्स जो कि हमारे पास है कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, डिक्रीज कर रहा है इट मीन्स आपका डेरिवेटिव जो है लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप देखिए सबसे पहले आप 0 to π/2 देखते हैं, तो 0 to π/2 कोस भी आपका पॉजिटिव होता है और साइन भी पॉजिटिव होता है, तो ये कभी आपके रेशो जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सेकेंड की बात करें π/2 से π, तो इसमें हमारा कोस जो है ये होता है नेगेटिव और साइन होता है हमारा पॉजिटिव, क्लियर। तो इसलिए इनका रेशो क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव लेस देन जीरो, तो बी ऑप्शन जो है हमारा वो क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट में देखिए ई टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1+x2, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो टेन इनवर्स एक्स है उसका ही डेरिवेटिव
अगर हम करें तो वो होता है 1/1 + x2। तो इंटीग्रेशन हमें करना है, तो हमने टेन इनवर्स एक्स को जेड माना, तो ये ई जेड बन जाता है हमारा, ई जेड का इंटीग्रेशन ई जेड ही होता है, और जेड वापस से आप चेंज करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स, ई रेज टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आपके पास देखिए माइनस टू प्लस आपकी लिमिट गई हुई है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सोल्व ना करें, आप सीधा ऑड फंक्शन चेक कर लें, ऑड और इवन, माइनस एक्स रखें और देखें क्या आपके पास माइनस एफ एक्स आ रहा है। यस, ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन हमारे पास क्या देता है, जीरो। नेक्स्ट में ऑर्डर एंड डिग्री बोला गया है, ऑर्डर है आपके पास टू और डिग्री देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डर होता है उसी की हाइएस्ट पावर लेनी होती है, तो इसकी हाइएस्ट पावर है वन, ऑर्डर टू एंड डिग्री वन। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपने वेरिएबल सेपरेट किए, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपने इंटीग्रेशन किया, ये सब आपको आते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/y = 2x2 + c। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर जो होते हैं, अगर इवन की बात की जाए, ऑन ईच डाई, डाई में केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, दैट इज टू। और यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल, एक पेयर रोल किया गया है तो इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होगा, टू टू, और टोटल होते हैं हमारे पास 36। 36 केसेस बनते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के लिए इवन प्राइम अगर हम निकालें तो ये आता है 1/36, ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट में आपको देखिए कंडीशनल का सवाल दिया गया है, ई कंडीशनल एफ, आपके पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है सभी की, आप फॉर्मूला रखेंगे और यहाँ पर अपना आंसर निकाल लेंगे 2/3। नेक्स्ट में आपको ये बोला गया है k की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटीज को सम कीजिए, इक्वल टू 1 रखिए, 1 रखने के बाद k आपको मिल जाएगा जो कि आ रहा है 7/90। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट वेक्टर आपको बोला गया डिफरेंस का, बेटा देखिए पीछे हमें यूनिट ही बोले गए हैं लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया गया था, किसी में सम पूछा गया था यूनिट वैक्टर में, किसी में पी क्यू का यूनिट वैक्टर बोला गया है, इसमें आपको डिफरेंस बोला है, यानी कि a माइनस बी। सबसे पहले आप a माइनस बी करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको आपका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये हमारा सेम क्वेश्चन, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। क्लियर, आपने अपना का इक्वेशन लिखी यहाँ पर और ए और बी वेक्टर यहाँ पर रखे और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, ये थे हमारे सी कोड के, अब मैं आपको फटाफट से करा देती हूँ डी कोड का। देखिए नेक्स्ट में आपसे बोला गया है रियल नंबर ही डोमेन है और रियल नंबर ही कोडोमेन है। तो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू 3x की बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो 3x1 = 3x2, x1 = x2, 1 1 तो है आपके पास, तो मैनी वन वाले आपके ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब बात करते हैं हम ऑन टू की, तो देखिए y इक्वल टू 3x है, इसको हम लिख सकते हैं y/3 = x। y हमारा रियल नंबर है, आप जो भी रियल नंबर यहाँ पर रखेंगे आपको x की वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएंगी रियल नंबर में, इट मीन्स हर एक के लिए हमें वैल्यू मिल रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा का सारा हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा, मीन्स 1 1 ऑन टू दोनों ही आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है टेन इनवर्स की, तो ये मैंने आपको बताया था ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। एक्स आपको बोला गया एक्स फाइंड आउट कीजिए, तो देखिए एक्स आप क्या करेंगे, वाई की वैल्यू फर्स्ट में रखिए, ये आता है 2x प्लस, मैं सीधा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको क्योंकि 3y लिखा हुआ था, 9 6 3 12, यह आता है 2 3 4 0 आपके पास गिवन है। यहाँ से आपने मैट्रिक्स को माइनस किया और देखा कितना आंसर आता है हमारे पास, तो बेटा ये आता है आपके पास -7 -3 1 -12, सी ऑप्शन हमें यहाँ पर हमारा आंसर मिल रहा है। आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करने हैं, ये आ रहा है आपके पास 3 - x² = 3 - 8, 3 से 3 आपका कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, x² = 8, एक्स आता है आपका +/-2√2, सी ऑप्शन करेक्ट। डिफ्रेंशिएट करना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एज इट इज रहता है, पावर का करेंगे तो साइन का होगा कोस, और एंगल का अगर आप करेंगे तो होगा 1/2√x, तो ये आपका आ जाता है डेरिवेटिव। इसमें आपको लोकल मैक्सिमा पूछा है, तो लोकल मैक्सिमा अभी मैंने आपको पीछे करवाया भी है, आप डेरिवेटिव निकालिए, इक्वल टू 0 कीजिए, डेरिवेटिव आपने निकाला तो ये आता है -sin x - cos x = 0, -sin x = cos x, ये बनता है tan x = -1, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ में ही नेगेटिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मिलता है 3π/4 and 7π/4। अब आपको लोकल मैक्सिमा बोला गया है, इट मीन्स आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। क्लियर, तो
आप देखेंगे यहाँ पर जब आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये आती है 7π/4 पर। पीछे मैंने आपको सारा मेथड निकाल के बताया हुआ है, आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया है, ये भी मैंने पीछे आपको कराया है। डेरिवेटिव आप निकालेंगे माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है, आपको इंक्रीजिंग बोला है, इट मीन्स आपका जो डेरिवेटिव है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं पहले इंटरवल की बात करूँ जीरो से पाई बाय टू, तो जीरो से पाई बाय टू हमारे पास साइन भी पॉजिटिव होता है और कोस भी पॉजिटिव होता है, तो डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आप जीरो से पाई की बात करेंगे तो जीरो से पाई में आपकी वैल्यू ऑसिलेट करती है, ये भी पॉसिबल नहीं है। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू की बात करें हम तो यहाँ पर भी आपकी ऑसिलेट करेगी तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स आपका जो डी ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर जो आपका इंटरवल निकलेगा ये जो आपका आंसर होना चाहिए था पाई बाय टू से पाई पर, क्योंकि इसमें हमारा कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है और साइन हमारा पॉजिटिव होता है। तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव मिलके हमारा पॉजिटिव बनता, तो इससे हमारा जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाता, तो आपका जो ऑप्शन है वो ये वाला करेक्ट होता है। ये ऑप्शन हमारा है नहीं तो हम इसमें डी इसका आंसर लगा के आएंगे। नेक्स्ट है देखिए आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आपने साइन एक्स को यहाँ पर लिया है जेड, आप चाहें तो वन प्लस साइन एक्स भी ले सकते हैं बेटा। यहाँ पर साइन एक्स लिया है जेड तो आपका कोस एक्स डी एक्स डी जेड में चला गया है, तो आपके पास इंटीग्रेशन आ गया डी जेड अपॉन रूट वन प्लस जेड। ये आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा वन प्लस जेड इट्स पावर माइनस हाफ डी जेड। आप जानते हैं इंटीग्रेशन में पावर जो है उसमें आप एक जोड़ते हैं और जो भी वैल्यू आती है वो नीचे लिखते हैं, तो यही हमने यहाँ पर किया टू रूट वन प्लस जेड प्लस सी, और जेड जो है वो था हमारा साइन एक्स। इसी तरह आपने देखिए माइनस ए टू ए आपको दिया हुआ है, आप इवन ऑड फंक्शन चेक करेंगे, आपने माइनस रखा तो ऑड फंक्शन आ गया, ऑड फंक्शन आया तो इंटीग्रेशन हो गया जीरो। आपको डिग्री और ऑर्डर बताना है, तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर आ रहा है आपका हाईएस्ट टू, तो हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर देखनी होती है जो कि है वन, तो डिग्री वन ऑर्डर टू। ध्यान रखिएगा डिग्री और ऑर्डर में आप कन्फ्यूज ना हो, कहीं इसको उल्टा ना लिख के आए, तो थोड़ा ध्यान से करें। ऑर्डर होता है बेटा डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव आपका कितने टाइम किया गया है, क्लियर। और जो जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपने सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद आपने इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन लगाने के बाद ये होता है आपका टेन इनवर्स वाई और ये होता है टेन इनवर्स एक्स, ये आपने रखा प्लस में कॉन्स्टेंट क्योंकि लिमिट्स आपको गिवन नहीं है। नेक्स्ट है आपका एक बैग में आपके पास 10 व्हाइट है 15 ब्लैक बॉल हैं, दो बॉल आपकी निकाली गई हैं वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। जब आपने बॉल निकाली है तो उनके प्लेस पे आपने कोई भी बॉल रिप्लेस नहीं किया है, तो आपको ये बताना है कि वन व्हाइट और एक ब्लैक हो आपकी। तो देखिए दो केस बनते हैं, हो सकता है कि मैंने जब निकाला तो पहले नंबर पर व्हाइट आई हो और दूसरे नंबर पर ब्लैक हो, या फिर और आ जाता है तो आपको प्लस साइन यूज करना होता है, या फिर हो सकता है पहले नंबर पर ब्लैक हो और दूसरे नंबर पर व्हाइट हो। देखिए व्हाइट के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है 10 बाय टोटल बॉल्स है हमारे पास 25, और अगर मैं ब्लैक बॉल की बात करूं तो देखिए ब्लैक बॉल है 15 और विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, यानी कि एक बॉल मैं निकाल चुकी हूं तो अब मेरे पास ये बची है 24। इसी तरह अगर मैं पहले ब्लैक निकालती तो आती है 15/25 इंटू में व्हाइट बॉल देखिए 10 है और टोटल बॉल अब रह गई है 24। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करके लिखा हुआ है 1/2, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट बोला गया है, तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है ये क्वेश्चन इस टाइप का हमारे पास पहले भी आया है कि इंडिपेंडेंट अगर होता है वर्ड कहीं मिल जाए आपको तो प्रोबेबिलिटी में आप लिखते हैं कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है पी ए इंटू पी बी, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पर। आपको ए कंडीशनल बी पूछा गया है तो आप लिख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इंटरसेक्शन की आप वैल्यू लिख देंगे पी ए इंटू पी बी अपॉन पी बी, पी बी से पी बी कैंसिल हो गया, पी ए आपकी आंसर आती है जो कि है 5/26। नेक्स्ट में बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन, दो बार हमने टॉस किया है कॉइन को, कितने हेड्स हमारे पास आते हैं। तो देखिए टोटल केस बनते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, एक टेल एक हेड, हेड टेल आ सकता है या दोनों हेड। तो देखिए हमें बोला गया है नंबर ऑफ हेड्स,
क्या तो हमारे पास एक वर्ब भी हेड ना हो, या वन टाइम हेड हो, या फिर टू टाइम हेड हो, ये केसेस बनते हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर एक भी बार हेड नहीं है तो दोनों टेल होंगी, तो ये आ गया आपके पास 1/4। अगर वन टाइम हेड है तो देखिए इसके केस बन रहे हैं 2, यानी कि 2/4 दैट इज 1/2। अगर आपके पास वन टाइम हेड आ रहे हैं, हेड हेड, तो यहाँ पर आपका केस बनता है 1/4। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बन जाती है। नेक्स्ट है आपको यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी वेक्टर आपको बोला गया है। तो आपको ए और बी वेक्टर यहाँ पर गिवन है, दोनों का आपने प्लस किया और यूनिट वेक्टर निकाला है, ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। पॉइंट गिवन है और पैरेलल वेक्टर गिवन है, तो यहाँ से हमने अपनी इक्वेशन में रखा और डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, 64 क्वेश्चंस जो आपने देखे कि सारे के सारे जितने भी कोड आपको मैंने कराए हैं, सभी क्वेश्चंस, सभी का पैटर्न एक था, सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दी गई है। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, जो क्वेश्चंस आपने किए उन्हीं में से पेपर आने वाला है, सिर्फ उनको थोड़ा सा ध्यान लगा के आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आप छोड़ के ना जाएं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, उनके सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। और साथ में हर चैप्टर वाइज मैंने 10 ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत ही वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें, 5 तारीख का आपका एग्ज़ाम है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।